हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेंटेंस को लेकर के, और यह ग्रामर फंडामेंटल का तीसरा वीडियो है। इसके पहले दो वीडियो बंद करके चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं, पहले आप उनको भी देख लीजिए अगर आप चाहते हैं कि हाँ यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए, सेंटेंस समझ में आए आपको। और इसमें हम लोग कवर करेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कहते किसे हैं, सेंटेंस कितने होते हैं, ये सभी टॉपिक को हम इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सेंटेंस। पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स करा कि सेंटेंस जो है ना, शब्दों का एक सेट होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, किसका, शब्दों का। और ओकेजनली कभी कभी वन वर्ड, कभी कभी सेंटेंस में एक शब्द भी होता है। कह रहा है कि सेंटेंस कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे शब्दों का समूह होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही शब्द का सेंटेंस होता है। सारी बातें आपको क्लियर होंगी कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू। That is complete in the meaning, कह रहा है जिसका एक पूर्ण अर्थ होता है, ऐसा शब्दों का समूह या एक शब्द का ऐसा सेंटेंस जिससे हमें कोई अर्थ, संपूर्ण अर्थ मिलेगा, और एक्सप्रेसिंग ए स्टेटमेंट या कोई कथन कहा जाएगा, क्वेश्चन, कमांड और एक्सक्लेमेशन। कह रहा है इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा, या फिर किसी को आदेश दिया जाएगा, या फिर विस्मय बोधक होगा। ठीक है, ये सभी सेंटेंस में मिलते हैं आपको। ये तो रही बात सेंटेंस की, जो है एक्चुअल डेफिनेशन ये है। लेकिन हम लोग कई देखिए क्या क्या पढ़ते हैं, और भी डेफिनेशन इसकी है सेंटेंस की। जैसे सेंटेंस की डेफिनेशन और है, सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स Which is complete, which is complete as expressing a thought or opinion। ये बात है। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, इसमें इसकी डेफिनेशन में क्या कह रहा है, सेंटेंस इज ए कलेक्शन ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो होता है वह शब्दों का समूह होता है, विच इज कम्प्लीट एज, जो कि पूरा देता है, क्या, कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है, एक्सप्रेसिंग ए थॉट, किसी भी विचार को संपूर्ण करता है, पूरा करता है, या फिर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन। ओके, तो सेंटेंस का वह शब्द, सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है जिससे हमें किसी के विचारों का या किसी के भाव का सही सही पूर्ण अर्थ प्रकट होता है, ये होता है सेंटेंस। एक डेफिनेशन और आप लोग बचपन से पढ़ रहे होंगे, जब आप एक दो में रहे होंगे, करा कि सेंटेंस, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। ये है तीन डेफिनेशन है। पहले डेफिनेशन में क्या करता था, तीनों डेफिनेशन में बात एक ही समझा रहा है आपको, बस ये कहने का तरीका अलग अलग है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भी, जिसमें पूर्ण भाव प्रकट होता है। तो जिस भी शब्दों के समूह में पूरा भाव प्रकट होगा वही हमारा क्या होगा, सेंटेंस होगा। चलिए इतना तो क्लियर है। तो एक बार हिंदी में सुन लीजिए आप, कि शब्दों का ऐसा समूह है, शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे हमें पूर्ण भाव व्यक्त होता है, पूरा भाव समझ में आ जाता है, उसको हम सेंटेंस यानी कि वाक्य कहते हैं। ये रही बात वाक्य की। अब हमें यह देखना है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य होते हैं दो प्रकार, कौन कौन होते हैं, एक होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस और एक होता है टाइप ऑफ सेंटेंस। लेकिन उसके पहले हम लोग इसके थोड़ा एग्जांपल के बारे में भी बात कर लेते हैं। कि एग्जांपल में जैसे मैंने बताया ना, ये सेट होता है, वर्ड का सेट होता है, शब्दों का सेट होता है, शब्दों का समूह होता है। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है ओकेजनली वन वर्ड, कभी कभी केवल एक शब्द का भी होता है सेंटेंस, केवल एक शब्द लिख दिया जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, जैसे कम, रन, ये सब क्या सेंटेंस है, रन ये क्या है, एक सेंटेंस है, कम यह क्या है, यह एक सेंटेंस है। तो सारी बातें आपको आज इसी वीडियो में क्लियर होने वाली है कि कैसे, किस तरह से सेंटेंस है। चलिए इसका पहले कुछ एग्जांपल, ये कुछ एग्जांपल है, ये कुछ एग्जांपल है। पहला एग्जांपल है रन। रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। लेकिन यहां पर एक वर्ड नहीं है, ये एक वर्ड का ये सेंटेंस है। ओके, कैसे आपको समझ में आएगा सेंटेंस है, जैसे कि रन का मतलब क्या होता है, दौड़ना। और यहां से आपको ये सेंस मिलेगा, हाँ पूरी तरह से कंप्लीट, हाँ दौड़ने वाला काम, दौड़ने को बोल रन, रन का मतलब क्या, दौड़ो, दौड़ना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सेंस, जो भी यहाँ पे कमियां हैं तो अभी हम आगे पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे ना, तो अभी कमी आपको पूरी समझ में आ जाएगी। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, यहाँ पर तो पूरा क्लियर है कि पक्षी उड़ते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर आपका सेंटेंस है। यहाँ पर देखिए
सीता स्पीक्स हिंदी, सीता बोलती है, क्या बोलती है, हिंदी बोलती है। तो ये तो पूरा आगे क्लियर आपको समझ में, सीता स्पीक्स हिंदी, सीता हिंदी बोलती है। अगला है द टीचर गेव अस ए लेसन टू लर्न, सीता सॉरी द टीचर गेव अस ए लेसन टू लर्न, अध्यापक ने हमें दिया, क्या दिया, गेव अस हमें दिया ए लेसन, एक पाठ टू लर्न याद करने के लिए, अध्यापक ने हमें याद करने के लिए एक पाठ दिया, एक लेसन दिया। तो ये था सेंटेंस का कुछ एग्जांपल, ओके। लेकिन अब हमें क्या देखना आगे, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो सेंटेंस होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन सेंटेंस होते हैं, तो पहला सेंटेंस होता है हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस और दूसरा होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या होता है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस दो होते हैं, पहला होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंस और दूसरा होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये तो सभी लोग पढ़े हुए चीज को, काइंड्स ऑफ सेंटेंस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस दो होते हैं। अब इस दोनों में से हमें एक एक को बारी बारी से पढ़ना है। तो चलिए पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को, क्या देखेंगे, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम लोग पहले देखेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या क्या होता है, इसको हम लोग पहले एक एग्जांपल के सहायता से कुछ समझते हैं। जैसे एग्जांपल हम दे रहे आपको, सचिन तेंदुलकर, तेंदुलकर गॉट द भारत, भारत रत्न, गॉट द भारत रत्न, सचिन तेंदुलकर गॉट द भारत रत्न, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न को प्राप्त किए हैं, या हाँ सचिन तेंदुलकर ने भारत रत्न को प्राप्त किया है। तो इस तरह से देखिए यहां पर हमें एक ही देखने को मिलेगा कि यह पूरा क्या है, यह पूरा एक सेंटेंस है, क्या है यह पूरा, एक यह पूरा एक सेंटेंस है। और इसमें इसमें हमें यह देखना है ना, अगर यहां पर भारत रहेगा ये, हाँ भारत, सचिन तेंदुलकर गॉट द भारत रत्न, सचिन तेंदुलकर ने भारत रत्न को प्राप्त किया। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, यहां पर सचिन तेंदुलकर ये क्या है, यह वह व्यक्ति है जिसने इसको प्राप्त किया है, सचिन तेंदुलकर। मान लीजिए इसकी जगह पे हम छोटा सा नाम लिख दे रहे हैं राजेंद्र, राजेंद्र, ओके, राजेंद्र ने भारत रत्न को प्राप्त किया। तो अब यह क्या है, यह वह व्यक्ति है जिसने इसको प्राप्त किया है। यह दो वर्ड में भले है लेकिन है तो एक ही व्यक्ति का नाम ना, सचिन तेंदुलकर एक ही व्यक्ति का नाम है ना वो, तो वह क्या हो गया, वह आपका एक व्यक्ति हो गया, इतना बड़ा एक व्यक्ति का नाम है ये। तो एक पार्ट यहां तक हो गया और एक पार्ट इधर हो गया, समझिएगा, सचिन तेंदुलकर ने भारत रत्न प्राप्त किया। तो सचिन तेंदुलकर अलग हो गए और जो प्राप्त किया वो अलग हो गया। तो ये जो इतना है ये नाम है ना किसी का, तो ये अलग हो गया, ओके, और वो अलग हो गया। तो इस तरह से पार्ट ऑफ सेंटेंस के दो भाग होते हैं, कितने होते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पहला भाग होता है सब्जेक्ट और दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट, प्रेडिकेट। ध्यान दीजिएगा सेंटेंस पार्ट ऑफ सेंटेंस के दो भाग होते हैं, कौन कौन, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, दो होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में कितने होते हैं, दो होते हैं, सब्जेक्ट जिसको आप हिंदी में बोलते हो उद्देश्य, या तो कर्ता बोलते हो इसको, और इसको बोलते हो हिंदी में विधेय, क्या बोलते हो, विधेय बोलते हो। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के दो भाग हो गए, उद्देश्य यानी सब्जेक्ट कर्ता हो गया, प्रेडिकेट यानी कि विधेय हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमें देखना है क्या, सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता क्या है। चलिए सब्जेक्ट को भी देखते हैं, सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम ए पर्सन, ए पर्सन और थिंग, ए पर्सन और थिंग एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन
और थिंग, ये क्या है, ये डेफिनेशन है। कह रहा कि व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, वी नेम अ पर्सन और थिंग, तो हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, एंड और से अबाउट, से समथिंग अबाउट, और उसके बारे में कुछ कहते भी हैं। दो डेफिनेशन इसमें है। हम जब किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, कहां पर, सेंटेंस में, जब ये सेंटेंस में किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो अभी क्या होता है, वह भी हमारा सब्जेक्ट होता है, या फिर जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहते हैं तो अभी क्या होता है, वह भी हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इज कॉल्ड सब्जेक्ट। देखिए यहां पर दो डेफिनेशन छुपी हुई है। When we make a sentence, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं, वह व्यक्ति या वस्तु का नाम भी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और एक होता है हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताते हैं, दो सब्जेक्ट होते हैं। और सुनिएगा, इन दोनों सब्जेक्ट को हम अलग अलग डेफिनेशन में भी करते हैं क्लियर। ये देखिए पहली डेफिनेशन हो गई, और दूसरे डेफिनेशन भी आप देख लीजिए। The part that name a person or thing in a sentence is called subject. The part that names a person or thing, कह रहा है कि वह भाग जिसमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो सेंटेंस का ऐसा भाग जिसमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं उसको भी सब्जेक्ट कहते हैं, और सेंटेंस का ऐसा भाग जिसमें हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताते हैं वह भी हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार सब्जेक्ट हमारे दो हो गए। क्या हो गए, कितने, दो हो गए। अब दोनों को समझिए कैसे दो होते हैं, एक होता है डूअर और एक होता है नॉन डूअर। ध्यान से सुनिएगा, एक होता है डूअर और एक होता है नॉन डूअर। इसको आप समझ लीजिए पहले, फिर आगे आपको समझा देंगे। डूअर का मतलब होता है ना डू, डू मतलब क्या होता है, करना, डूअर माने करने वाला। तो ऐसा सब्जेक्ट जो कुछ एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा कर्ता जो कोई काम को कर रहा है, जो किसी काम को कर रहा है, उसे कहते हैं डूअर। जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, जाने वाला काम हो रहा है। मैं विद्यालय जा रहा हूं तो मेरे द्वारा कौन सा काम हुआ, जाने वाले। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कौन सा काम कर रहा हूं, पढ़ाने वाला काम, तो मैं डूअर हो गया। और जो आप, यू आर टीचिंग, आप यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हो, तो आप अभी तो कुछ काम कर रहे हैं ना, तो आप जो काम कर रहे हैं आप, तो आप क्या है, आप जो है ना डूअर है। लेकिन जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूं तो मैं तो डूअर हो गया, लेकिन मैं विद्यालय में हूं तो किसके बारे में बताया गया, मेरे बारे में बताया गया। आप पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ओके, लेकिन आप अपने कमरे में हैं तो कुछ काम तो नहीं कर रहे ना, तो वह होता है, वह भी तो सब्जेक्ट होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल बताते हैं आपको, ही इज अ बॉय, ये सेंटेंस है, और फिर अगला सेंटेंस है बॉय इज रीडिंग। दो सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा, ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, ही बॉय इज रीडिंग, लड़का दोनों में है कि नहीं है, दोनों में लड़का है। अब यहां पर यह देखना है कि इसमें जो लड़का है वह लड़का कुछ काम भी कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, पढ़ाई करने वाला काम कर रहा है। तो यहां पर जो बॉय है ये हमारा क्या है, यह सब्जेक्ट जो है बॉय, ये हमारा डूअर है, क्या है, ये डूअर है। लेकिन यहां पर जो ही सब्जेक्ट है ये हमारा, ये नॉन डूअर है, ये क्या है, ये हमारा नॉन डूअर है। समझे कि नहीं, यहां पर जो सब्जेक्ट है वो कुछ काम नहीं कर रहा, बस क्या लड़का है, यहां पर जो लड़का, यहां पर जो सब्जेक्ट है वह क्या कर रहा है, वो कुछ काम कर रहा है। तो जब सेंटेंस में कर्ता के द्वारा कुछ काम किया जाएगा तब उस कर्ता को कहते हैं डूअर, और जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जाएगा, केवल वह रहेगा, उसके बारे में बताया जाएगा केवल, तब वह होता है नॉन डूअर। इतना तो क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं, सब्जेक्ट के बारे में कुछ और जानते हैं हम अभी बहुत। द सब्जेक्ट कैन बी ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि सब्जेक्ट जो है ना एक शब्द में भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हो सकता है। जैसे जैसे कह रहा कि एन ओल्ड लायन, ये क्या है, यस क्या है, सब्जेक्ट इतना बड़ा आपका। जैसे कह रहा है कि इसको पूरा करते हैं, एन ओल्ड लायन रोर इन द जंगल,
इन द जंगल, एक बूढ़ा शेर जंगल में दहाड़ा गरजा। तो यहां पर क्या, कौन गरजा? ये बूढ़ा शेर गरजा। फिर कह रहा है कि लायन, लायन स्लेप्ट, स्लेप्ट इन द कैव। शेर सोया है गुफा में, शेर कहां सोया है? गुफा में सोया है। तो इसमें जो ये सब्जेक्ट है ये कितने वर्ड का है? वन वर्ड का, और इसमें मोर देन वन वर्ड। कहने का मतलब यही है कि सब्जेक्ट एक शब्द में भी हो सकता है और एक शब्द से अधिक में भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हो सकता है। क्या सब्जेक्ट यहां पर एक शब्द में है, यहां पर अधिक शब्दों में है। तो यहां से यह क्लियर होता है कि सब्जेक्ट एक शब्द तो होता है और अधिक भी शब्द होते हैं। तो यहां पर एक दो तीन कितने हो गए? तीन वर्ड हो गए। अच्छा आप बताइए, जहां पर तीन व्यक्ति होंगे तीनों का नाम तो अलग अलग नहीं होगा कि एक ही नाम होगा सभी का? होता है ना अलग अलग नाम, वो तो मान लीजिए एक्सेप्शन है, अलग की बात है कि हाँ तीनों का नाम बाय द वे अगर एक ही हो गया, लेकिन अगर तीन लोग हैं तो तीनों का नाम अलग अलग होगा कि नहीं होगा? आप ही बताइए पहले सोच के। होगा ना, जब तीनों का नाम अलग अलग होगा तो यहां पर भी तीनों का नाम अलग अलग होना चाहिए। चलिए इन तीनों का नाम देखते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या देखना है? हमें देखना है पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हमें देखना है। अब कितना आया समझ में? सब्जेक्ट के अंदर कितने होते हैं? सब्जेक्ट के अंदर एक वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। अगर एक शब्द में होगा सब्जेक्ट एक ही होगा, सिंगल है वो। अगर एक से अधिक शब्दों में होगा तब आप बताएंगे कि हाँ इसमें से कौन सा किसका क्या नाम है। लेकिन जब आपके पास एक ही है, आपके पास जब एक ही है तो क्या छोटा क्या बड़का, है ना? लेकिन जब दो होंगे तीन होंगे तब उसमें छोटा बड़ा और मझला होगा। तो चलिए देखते हैं यहां पर सब्जेक्ट के पार्ट में। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के पार्ट यही ना। तो देखिए पहले समझ लीजिए, सब्जेक्ट के पार्ट दो होते हैं। कितने होते हैं? सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड, क्वालिफायर और हेडवर्ड। चलिए देखते हैं इसको हम, क्वालिफायर और दूसरा होता है हेडवर्ड। हेडवर्ड का नाम होता है मेन वर्ड। हेड को तो आप मेन कहते ही है ना, मेन वर्ड यानी कि मुख्य शब्द जिसमें नाउन आता है। क्या आता है? नाउन आता है। चलिए क्वालिफायर, ये तो देखिए कहीं कहीं भी अगर कोई हेडमास्टर है स्कूल में तो हेडमास्टर एक ही होगा। मेन का मतलब क्या? मेन एक ही होता है, लेकिन ये जो क्वालिफायर है ना ये अलग अलग होते हैं। तो क्वालिफायर को हम देख लेते हैं अलग अलग, यहां से समझिएगा, यहां से कुछ समझने वाली बात आ गई है। सब्जेक्ट के पार्ट कितने होते हैं? दो पार्ट होते हैं, क्वालिफायर हेडवर्ड। हेडवर्ड का दो नाम होता है, हेडवर्ड बोले या तो मेन वर्ड बोले, दोनों में इसमें इसके अंदर क्या आएगा? नाउन आएगा। क्या आएगा? नाउन आएगा। हेडवर्ड यही होगा जो मेन वर्ड होगा, दोनों का मतलब एक होता है। अब पहला पार्ट इधर आपका है क्वालिफायर, क्वालिफायर में क्या क्या आता है उसको देखिए। क्वालिफायर में पहला नंबर आएगा आपका डिटरमाइनर का, डिटरमाइनर। दूसरा नंबर आएगा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तीसरा नंबर आएगा एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। अब आपको समझना यहीं से है, यहीं से आपका खेला चालू हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे साथियों, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर का मतलब होता है संख्यावाचक। ध्यान दीजिएगा क्या होता है यहाँ का, इसका मतलब संख्यावाचक। यहां से थोड़ा हिंदी भी ध्यान दीजिए, संख्यावाचक, संख्यावाचक। इसका मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण। और इसका मतलब होता है, ये भी विशेषण ही होता है, समझिएगा, यह भी क्या होता है? विशेषण होता है। लेकिन यह जो है ना फ्रेज में होता है। क्या कैसा होता है? वाक्यांश विशेषण होता है, ये वाक्यांश विशेषण। यानी कि यह विशेषण होगा फ्रेज में, मतलब मोर देन वन वर्ड एडजेक्टिव होता है ये। जैसे विशेषता अगर एक शब्द में होगी तो उसे बोलेंगे एडजेक्टिव, अगर वही विशेषता एक से अधिक शब्दों में होगी तो उसे बोलेंगे एडजेक्टिव। हमने आपको पढ़ाया था ना फ्रेज क्या होता है, फ्रेज सेंटेंस का ऐसा पार्ट होता है जिससे हमें अर्थ तो कुछ मिलेगा लेकिन उसमें सब्जेक्ट भी नहीं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट हमको नहीं मिलेंगे, वही हमारा होता है फ्रेज। तो ऐसे एडजेक्टिव जो हमें विशेषता तो बतलाएंगे लेकिन वह एक शब्द में नहीं होंगे, एक से अधिक शब्दों में होंगे, तो उसे कहते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज। और जो होता है एक शब्द में उसे कहते हैं एडजेक्टिव। और इसमें क्या आता है इसको समझिएगा,
इसमें जैसे देखिए, इसमें आपका ए आ जाएगा, एन आ जाएगा, द, आल, सम और जो है मेनी, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सभी क्या है, ये जैसे जितने भी आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ ये संख्या को बता रहे हैं, कितने लोग आए, कुछ लोग आए, बहुत लोग आए हैं, है ना, सभी लोग आ गए हैं, कोई नहीं आया है, तो ये सभी कैसे भी संख्या को बताते हैं। तो जितने ऐसे वर्ड हैं जो आपको संख्या बताते हैं ना, वह सभी लिटरल माइनर के अंदर आते हैं। इसमें देखिए पदस्थ प्रणाम भी आता है, माई हो गया, हिज, योर, ये सभी क्या है, ये सभी लिटरल माइनर, लिटरल माइनर के अकॉर्डिंग आते हैं। ये सबको आप याद कर लीजिएगा, याद करेंगे आप कितना, समझिए इसको आप। समझने का मतलब यहां पर यह है कि ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जिनसे आपको ऐसा कुछ आइडिया आएगा माइंड में कि हाँ ये संख्या को बता रहे हैं। आप पूछेंगे आज विद्यालय में कितने बच्चे आए थे, तो कोई बोलेगा दो, चार, छह, एक, कोई नहीं, सभी लोग, कुछ, ये सभी क्या है, संख्यावाचक है। तो जिससे लगेगा हाँ संख्या का बोध हो रहा है, संख्या को बताया जा रहा है, वह होता है लिटरल माइनर। ये हो गए सब्जेक्ट के पार्ट। ओके, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर और हेडवर्ड। हेडवर्ड का मतलब मुख्य वर्ड, मुख्य शब्द, वह एक होता है। और यहां पर क्वालिफायर में तीन होते हैं, लिटरल माइनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज, ये तीन हो गए। चलिए अब तीनों का नाम देख लेते हैं, संख्यावाचक, विशेषण और वाक्यांश विशेषण। अगर संख्या को बता रहा है लिटरल माइनर हो गया, विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव हो गया, यह भी विशेषता बता रहा है लेकिन वह फ्रेज में है तो एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं तब हमको जो है पूरी तरह से क्लियर होगा। ए स्मॉल मंकी सिटिंग इन द ट्री जंप्ड अवे, कह रहा है कि एक छोटा बंदर जो पेड़ के नीचे बैठा था जंप्ड अवे, कूद पड़ा, कूद गया, पेड़ के नीचे जो था वो कूद गया, कूदा, ठीक है। तो ए स्मॉल, देखिए अब इसमें आपको ये बताना है, पहले ये समझना है कितना बड़ा क्या है, ये हमारा एक सेंटेंस है, क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। ये सेंटेंस कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो हमें अभी प्रेडिकेट के बारे में कुछ देखना नहीं है, हमें बस जानना है सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट क्या बताया, या तो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लिया जाएगा, चाहे किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा कोई काम किया जाएगा। तो आप ये बताइए कि इसमें कौन सा काम हो रहा है, इसमें काम हो रहा है कूदने वाला काम। चलिए कूदने वाला काम कौन कर रहा है ये बताइए हमें आप, कौन कर रहा है, इसमें कर रहा है मंकी, ए स्मॉल मंकी। ए स्मॉल मंकी क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, कूदने वाला काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, कूदने वाला काम कर रहा है। लेकिन उसके पहले आपको ये भी ध्यान देना है मेरे साथियों कि ये जो दिया है सिटिंग इन द ट्री, सिटिंग इन द ट्री ये क्या है, यह भी आपका आएगा सब्जेक्ट के अंदर। कैसे आएगा अब ये देखिए, स्मॉल मंकी छोटा बंदर, सिटिंग इन द ट्री, अब यह क्या है, यह आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है। यही आपको समझना है और हमें समझाना है कि एडजेक्टिवल फ्रेज का मतलब क्या होता है। एडजेक्टिवल फ्रेज का मतलब वाक्यांश विशेषण, जो विशेषता वाक्यांश में होगी, फ्रेज में होगी। तो देखिए यहां पर क्या है, ये क्या है, यह आपका हो गया डिटरमाइनर, स्मॉल क्या है, यह आपका हो गया एडजेक्टिव, और ये क्या है, यह आपका जो मंकी है यह आपका हेड वर्ड है, यानी कि मेन वर्ड है, यानी कि ये नाउन है। समझ गए पूरी बात, यह कितने बंदर थे, एक बंदर, जब संख्या बताएगा तो वो हो जाएगा डिटरमाइनर, उसके बाद एक बंदर, बंदर कैसा था, स्मॉल था, तो उसकी विशेषता क्या थी, बंदर की स्मॉल था, तो ये होगी एडजेक्टिव, और इसमें मेन कौन था, पूरे में मेन कौन है, कौन कूदने वाला काम कर रहा है, मंकी, तो मंकी हमारा हो गया मेन वर्ड, नाउन है ये। आगे बढ़ेंगे तो इसकी विशेषता क्या है, तो छोटा बंदर था, इसकी विशेषता थी कि यह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। बंदर की विशेषता थी कि वह छोटा था, लेकिन एक छोटे बंदर की विशेषता क्या थी, छोटे बंदर की विशेषता थी कि वह पेड़ के नीचे बैठा था। यह पूरा वाक्यांश है और वाक्यांश की विशेषता यहां पर दिया है कि वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो यहां तक हमारा ये पूरा हो गया सब्जेक्ट, और आगे क्या है, जंप्ड अवे, वो हमारा आगे जो भी प्रेडिकेट है आप उसको बाद में पढ़िएगा। इतना पहले समझिए कि यहां पर लिटरल माइनर दिया है, एडजेक्टिव दिया है, हेडवर्ड दिया है, और एडजेक्टिवल फ्रेज भी दिया हुआ है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी दिया हुआ है, ये समझना था। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, दोज प्रेटी फ्लावर्स फेडेड,
दोज प्रट्टी वो सुंदर फूल मुरझा गए हैं, मुरझा गए, वह सुंदर फूल मुरझा गए। तो कौन मुरझा गया? सुंदर फूल, दोज प्रट्टी फ्लावर्स, ये हमारा सब्जेक्ट है। कितने वर्ड है? तीन वर्ड है। तो बताए थे ना, जब संख्या को बताएगा तो वह हमारा डिटरमाइनर होगा। कौन से फूल? ओ फूल। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया डिटरमाइनर। दिस दिस दैट दिस दो जो बताया था ना, ये भी होते हैं इसी के अंदर। प्रेटी क्या है? प्रेटी जो है ना फ्लावर की विशेषता है। वो फूल कैसे फूल? जो सुंदर थे। तो सुंदर क्या है? एडजेक्टिव हो गया। और ये फ्लावर क्या है? ये हमारा हो गया मेन वर्ड, और बाकी आगे बचा आपका वर्ब, बाद में पढ़िएगा। सम नॉटी बॉयज क्वारल, कुछ शरारती लड़के झगड़ गए, कुछ शरारती लड़कों ने झगड़ा कर लिया। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सम नॉटी बॉयज, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसको यहां क्रॉस करिए, इसका जो है पार्टीशन करिए। इसमें कितने लोग थे? सम। सम क्या है? संख्यावाचक है। संख्यावाचक का मतलब ये हमारा हो गया डिटरमाइनर। अच्छा, कुछ लड़के कैसे थे? उनकी विशेषता क्या थी? कि वो शरारती थे। ये हो गया एडजेक्टिव। अच्छा, कुछ अब किसके बारे में बता रहा है? सबसे मेन कौन है? सबसे मेन तो लड़का ही है। मेन कैसे होता है? जिसके बिना काम ना चले। अगर आप निकाल देंगे सम तो हो जाएगा नट्टी बॉय, यानी कि शरारती लड़कों ने झगड़ा कर लिया। अगर हो जाएगा सम नट्टी निकल जाएगा, कुछ लड़कों ने झगड़ा कर लिया। लेकिन अगर बॉय को निकाल देंगे तो कुछ शरारती सांडों ने झगड़ा कर लिया, या फिर कुछ शरारती बकरियों ने झगड़ा कर लिया, कुछ शरारती लड़कियों ने झगड़ा कर लिया। कौन था शरारती? कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसलिए जिसके बिना काम ना चले, जिसके बिना अर्थ पूरा ना हो, वह हमारा होता है मेन वर्ड, हेड वर्ड। तो यहां पर बॉय क्या है? यहां पर बॉय हमारा हेड वर्ड हो गया। आगे आपका प्रेडिकेट बचा। माय एल्डर कजिन इन मुंबई इन इज एन इंजीनियर, मेरा जो चचेरा भाई है, मेरा चचेरा है जो, वो कैसा है? वह इंजीनियर है। कहां पर है? मुंबई में है। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? माय एल्डर कजिन इन मुंबई, यहां तक आपका सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, माई क्या है? माई आपका हो गया डिटरमाइनर, बताए थे ना, क्योंकि डिटरमाइनर आपका ओल्डर के, एल्डर क्या है आपका? ये एडजेक्टिव है। कजिन, कजिन क्या है? कजिन यहां पर हेडवर्ड है। और ये मुंबई क्या है? इन मुंबई, इन मुंबई जो एल्डर है ना, ये इसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन ये जो माई एल्डर कजिन है, इसको कौन कर रहा है? भाई कर रहा है। इन मुंबई, मेरा एल्डर ब्रदर कौन? जो मुंबई में रहता है, इसकी विशेषता बता रहे, पूरे को बता रहा है, फ्रेज को बता रहा है ये, समझे ना। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिवल फ्रेज, और बाकी आपका बच गया आगे प्रेडिकेट। इतना हो गया आपका इस वीडियो में, और बाकी हम लोग जो हमारा बच गया प्रेडिकेट का पार्ट, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।